नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा पैंट का बेल्ट और लूप्स कैसे लगाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम इसका बेल्ट और लूप्स लगाएंगे। तो ये हमारा कमर का निशान है, एक लूप्स तो हमारा यहां लगेगा, एक लूप्स यहां लगेगा, और दूसरा लूप्स हमारा प्लेट पर लगेगा, तीसरा यहां लगेगा, और चौथा लूप्स हमारा लगेगा जो सामने की जो आगे आगे की प्लेट है उस पर लगेगा। इस पर हमारा ठोका 2.5 इंची का है। ठोका हमारा आएगा यहाँ तक, हमारे पास ये 1.5 इंची का गैप रहता है, 1, 2, 3 और ये 4। सिर्फ हमें पीछे के निशान लेने की जरूरत है, ये हो गए, बाकी सब निशान अपने आप लगे गए हैं। चीज लूप्स हमें जो काटना है वो काटना है सवा पांच के आसपास, हमें लेना है लूप्स 5.25 या 5 इंच, एक सूत उससे कम ना हो, उससे ज्यादा ना हो, सबका साइज एक ही होना चाहिए। जितने भी लूप्स हैं, 8 लूप्स हैं, सबका साइज एक ही होना चाहिए। तो सबसे पहले और जो लूप्स लगेगा वो आपको इस तरीके से लगाना है। इसको हम बिल्कुल डबल कर देंगे, डबल करके इस जगह हम उस लूप्स को लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से लगा देंगे। ये जो उल्टा सीधा है इसमें जो सिलाई है वो अंदर की साइड में रहेगी, और इस तरीके से आप इस लूप्स को लगा देंगे। ये लूप्स आप चाहे तो बेल्ट के साथ लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चारों लूप्स हमने लगा लिए हैं, अब हम इसके ऊपर बेल्ट लगा देंगे। ये बेल्ट हमने फोल्ड कर लिया था पूरा, इसको यहां तक तोड़ लिया था, यहाँ से हमें उसको चढ़ाना है जहाँ से हमें ये हमारा कुटका लगा हुआ है, हम यहीं से इसको चढ़ाएंगे। हम इस चेन को काट सकते हैं, ये हमारा
इस तरीके से बेल्ट आ जाएगा। अब जब बेल्ट इस तरीके से आ जाता है उसके बाद हम इसके अस्तर को इस तरफ रख लेंगे इस तरीके से, और ये जो लूप्स है इसमें हम इसको ऐसे पलट देंगे और नीचे वाले लूप्स में हम सिलाई मार देंगे। ऊपर वाले लूप्स में हमें सिलाई नहीं मारनी, सिर्फ नीचे वाले लूप्स में हमें इस तरीके से सिलाई मार के पक्का कर देना। करीब इससे 1.5 पैर नीचे हम इसकी सिलाई मार रहे हैं। ये हमने इसकी सिलाई मार दी है। अब जब हम लूप्स को लगाएंगे तो इसको हम ऐसे के ऐसे ही ले लेंगे, यहां से और यहां इस तरीके से, ये इस तरीके से आ जाएगा। यहां बिल्कुल हमें ये हमें पक्का मिल गया, बिल्कुल नीचे का लूप्स भी पूरा मिल गया। लूप चेक लूप हमें यहां तक मिला है जहां तक हमारा बेल्ट है, ठीक है। और बड़ा जो लूप हमें मिला है वो यहां तक नीचे तक मिल गया। तो अगर हमें छोटा बेल्ट लगाना है तो हम नीचे वाले में लगा सकते हैं, और अगर बड़ा बेल्ट लगाना है तो ऊपर वाले में लगा सकते हैं। ऊपर से ये सिंगल ही दिखाई देगा, ये सिलाई हम बाद में मारेंगे, अभी दूसरा बेल्ट हमें लगाना है। इस तरफ से हम देख लेंगे क्योंकि सिलाई हमें इधर से मारनी, तो इसको हम चेक कर लेंगे एक बार कि इतना तो हमें ये छोड़ देना है, इसको यहाँ टच रखना है ताकि इस पर कपड़े पर सिलाई आ जाए, और उस हिसाब से हम इसको चेक कर लेंगे। ये हमारा यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। और उसी तरीके से हम इसको डबल करके और यहाँ लगाते चले जाएंगे नीचे। इसको हम काट देंगे।
ये हमारा इस साइड का भी लूप्स लग गया है। जब हम इसकी सिलाई मारेंगे तो इनको कवर करते हुए चलेंगे पूरा। अब हम इसकी चेन को चेक कर लेते हैं, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। इस तरीके से रख के और पूरी चेन हम लगाएंगे इस तरीके से, और इसको ऐसे रख के चेक कर लेते हैं कि ये बराबर आया कि नहीं। ये हमारा बराबर आ गया है बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो बेल्ट है ना, ये कभी भी आपका ऐसे नहीं जाएगा कि ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, क्योंकि ये पोर्शन हमने बिल्कुल सीधा रखा है। जब शेप पट्टी से हम शेप देते हैं, नीचे झुका कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ही सीधा आ जाएगा। और यहाँ से हमें खड्डा मिल जाएगा क्रिच को उठाने के लिए, और ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा, और ये बिल्कुल सीधा आएगा बेल्ट बिल्कुल। तो ये हमारा आज का बेल्ट लगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा पैंट का बेल्ट और लूप्स कैसे लगाए जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ पैंट की कटिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूँ, मैं हूँ कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूँ, जहाँ मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, जैकेट, कोट, टैक्सीडो, ब्रिचेस, शेरवानी, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।